दुनिया में बहुत सारे जासूस हुए। आपने अनेकों जासूसों की कहानी सुनी भी होगी, लेकिन इस जासूस की कहानी जमाने तक नहीं आई होती अगर एक जासूसी एजेंसी ने अपने वेबसाइट पर इसकी कहानी नहीं डाली होती। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है निर्भय और स्वागत है आपका अनफोल्डिंग मिस्ट्रीज में। ब्रिटिश सीक्रेट एजेंसी MI5 ने पहली बार इस जासूस की कहानी अपने वेबसाइट पर डाला और MI5 ने इसे दुनिया का सबसे बड़ा डबल एजेंट का नाम दिया। दो देश के लिए जासूसी करना कैसे संभव है, लेकिन इस जासूस ने ऐसा कर दिखाया और इस जासूस के चक्कर में लाखों लोगों की जान बची और जिसने हिटलर को भी धोखा दे दिया। जो जासूस था ही नहीं, लेकिन एक देश के आंखों में जासूस बनने का ढोंग करता रहा और 27 लोगों की कागज पर एक फर्जी टीम बनाई और उन 27 जासूसों का करोड़ों में फीस भी लेता था। इस एजेंट का नाम खुआन गार्सिया है। स्पेन के बार्सिलोना में इसका जन्म होता है। स्कूल जाता है लेकिन पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो स्कूल ड्रॉप कर देता है। बाद में पोलिट्री फॉर्म का काम करता है, बट उसमें भी मन नहीं लगता है। उस समय World War II की सुगबुगाहट थी। एक तरफ अलाइड फोर्सेस और दूसरी तरफ जर्मनी हिटलर थे। स्पेन के अंदर भी गृह युद्ध जारी था। गार्सिया को फिर एक होटल में जॉब मिलता है, अच्छा खासा पैसा कमाता है, लेकिन वहाँ भी मन नहीं लगता। उसे स्कूली किताब के अलावा बाकी सब पढ़ने में मजा आता था। इस दुनिया में क्या चल रहा है, उसे जासूस बनने का मन था, लेकिन उसकी ना पढ़ाई अच्छी थी, ना ज़्यादा जानकारी थी, ना ज़्यादा भाषा जानता था। इस चक्कर में वह जासूस नहीं बन पाता था। जिस जगह वह नौकरी कर रहा था उसी के बगल में ब्रिटिश एम्बेसी थी। उसने ब्रिटिश सीक्रेट एजेंसी के बारे में सुन रखा था कि उनका बहुत नाम है और दुनिया में धाक है। नौकरी के दौरान वह 3-4 बार MI5 के पास जाता है और जासूस बनने के लिए कहता है। उससे पूछताछ होती है, लेकिन कोई खासा टैलेंट ना होने की वजह से उसे बार बार मना कर दिया जाता है। तब तक वह होटल में ही नौकरी करता है। उसी दौरान उसी होटल में राजशाही परिवार के लोग वहां रुकते हैं और उन्हें एक खास किस्म का स्कॉच चाहिए था, लेकिन वहां मिल नहीं पा रहा था। वहां के मैनेजर ने कहा कि वो इंतजाम करते हैं। तभी ये बात गार्सिया को पता चली और गार्सिया ने कहा कि वो इंतजाम कर सकता है, बस उसे शाही परिवार से मिलवाओ। उस परिवार से मिलके उसने पूछा कि उन्हें कैसा स्कॉच चाहिए। वो उसे बताते हैं कि उन्हें कैसा स्कॉच चाहिए और वो फिर बाद में यह सब सुन के कहता है कि ठीक है, वो ला देगा, लेकिन बदले में एक शर्त रखता है कि उसे एक पासपोर्ट चाहिए। वो भी मान जाते हैं। वो जाता है और अपने सोर्सेस से 6 बोतल ले आता है, जिसके बाद उसे पासपोर्ट मिल जाता है। पासपोर्ट बनने के बाद वो एक प्रिंटिंग हाउस में जाता है और ब्राज़ील का एग्जिट वीज़ा लगाता है और एक लंदन का एग्जिट वीज़ा लगाता है, जो कि फर्जी था। अब यहाँ से उसका खेल शुरू होता है। वो होटल की नौकरी छोड़ देता है। इसी दौरान एक दिन रेल यात्रा करते समय उसे पता चलता है कि इस ट्रेन में एक हिटलर का ऑफिसर है, तो वो उसके पास जाता है और गप्पे मारने लगता है। धीरे धीरे ऑफिसर से बात करते करते वो लंबी लंबी फेंकने लगता है कि वो है तो स्पेन का, लेकिन हिटलर का बहुत बड़ा फैन है, उनके विचारों से बहुत प्रभावित है और उनके लिए कुछ करना चाहता है। अपनी बातचीत से उसने उस ऑफिसर को, जो कि जर्मन का जासूस था, उसे अपनी बातों में फंसा लेता है और उससे बताता है कि वो ब्रिटेन के लिए जासूसी करता है। उसने बताया कि उसके ब्रिटेन में काफ़ी सोर्सेज हैं। वो अक्सर न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ता रहता था, तो उसने एक दो ऐसी बात बताई जिसे सुनकर ऑफिसर प्रभावित हो गया और उसे अपने लिए काम करने को कहता है। वो काम पे लग जाता है, उसकी ट्रेनिंग होती है, उसके बाद ये भर्ती हो जाता है। फिर उसका नया नाम दिया जाता है और नया नाम रहता है इलेरिक, जिसका मतलब होता है इंचार्ज। उसके बाद उसे सब कॉन्टेक्ट दिया जाता है। उसे अब इंग्लैंड से जासूसी करके जर्मन ऑफिसर को बताना था, लेकिन वो भी इंग्लैंड गया ही नहीं था। उसने ब्रिटेन के लिए जासूसी वाली बात भी झूठ बोली थी।
ये न्यूज़पेपर पढ़ने का बहुत शौकीन था और इसकी बीवी भी न्यूज़पेपर पढ़ती थी। अब इसको ये दिखाना था कि ये इंग्लैंड में रहता है, इसलिए ये और इसकी बीवी बार्सिलोना से निकलकर लिस्बन चले जाते हैं। अब इसकी बीवी और ये मिलके 3 से 4 ब्रिटेन के अखबार डेली पढ़ते थे, जिससे शहर की बेसिक जानकारी मिल जाती थी और साथ ही साथ वहाँ के रेलवे रूट, मैप आदि को भी देखकर याद करने लगे। हर बेसिक जानकारी निकाली और इन जानकारी में कुछ अपने तरफ से कहानी मिलाकर उस जर्मन ऑफिसर को बताता था। पेपर में डेली की कुछ बड़ी बड़ी अपडेट होती थी, उसमें ही कुछ अपने तरफ से भी कहानी बना देता और जर्मन को बता देता। ये सिलसिला चलता रहा। कई बार इसकी खबर गलत होती, खबर गलत होने पर यह कह देता कि मेरे सोर्स ने गलत जानकारी दी, लेकिन कभी कभी उसकी कुछ जानकारी सही हो जाती। कई दिनों से अखबार में पढ़ता था कि एलाइड फोर्सेस की एक कन्वॉय माल्टा के लिए रवाना होंगी और एक दिन इसने जर्मनी ऑफिसर को तुक्के में बताया कि एलाइड फोर्स कल ही माल्टा के लिए रवाना होंगी। ये तुक्के में सही हो गई। उस दिन से इसका रुतबा और कद और बढ़ गया और सबको लगने लगा कि इसकी पैठ अंदर तक है। अब इसने जर्मन से कहा कि अब हमें और जानकारी लेने के लिए एक जासूसों की टीम बनानी होगी और मैंने ऐसे 27 लोगों की टीम बनाई है, और उसने नाम भेजा। अब जर्मनी से उन 27 लोगों का भी खर्चा वो लेने लगा, जो कि उस समय डेली 7 करोड़ होती थी, जबकि ऐसी कोई टीम थी ही नहीं। अब MI5 को भी लगने लगा कि कोई खबर दे रहा है। उन लोगों ने जांच शुरू की और उन्हें इसके बारे में पता चला। इससे जब पूछा गया तो इसने सारी बात सच सच बताई। इस बात से ब्रिटिश सीक्रेट सर्विस काफ़ी इम्प्रेस हुई और उन्होंने इसे ऑफर दिया कि तुम हमारे लिए डबल एजेंट का काम करो और जो हम चाहेंगे वो इन्फॉर्मेशन जर्मन्स को और उनकी इन्फॉर्मेशन हमें दो। ये सुनकर गार्सिया बहुत खुश हुआ, क्योंकि वो ब्रिटेन के लिए कुछ करना चाहता था। MI5 ने इसे नया नाम दिया, गार्बो। इसके बाद वो MI5 के हिसाब से काम करता रहा। अब वर्ल्ड वॉर होने ही वाली थी, जिससे इसका काम बढ़ गया। खबर आ गई थी कि 6 जून 1944 को एलाइड फोर्स जर्मनी में हमला करने जा रही है। 5 जून को एलाइड बनकर गार्सिया ने जर्मनी को कॉल किया और कहा कि 3 बजे सुबह मैं कॉल करके बताऊंगा कि एलाइड फोर्स कहां हमला करने जा रही है। लेकिन जब इसने कॉल किया तो वहां का इंचार्ज कॉल नहीं उठाया और एलाइड फोर्स चली गई, तो जर्मन को लगा कि इसके पास इन्फॉर्मेशन थी लेकिन कॉल ना उठाने की वजह से ये बता नहीं पाया, तो इसका कद और बढ़ गया। इसके बाद इसने जो काम किया वो जर्मनी की हार में सबसे इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाया। उसने जर्मन को ये बताया कि एलाइड फोर्स केले शहर के पास हमला करने वाली है। जर्मन की 2.5 लाख फौज वहाँ तैनात हो गई। वो करीब महीनों वहीं इंतजार करती रही, लेकिन कोई हमला नहीं हुआ। अब हिटलर को थोड़ा शक हुआ। उसने अपने सैनिकों को भेजा कि जाओ पता करो क्या बात है। सैनिक जाते हैं तो वहीं पर एलाइड फोर्स ने नकली टैंक, रबर के हथियार, गुब्बारे मैदान में रख दी थी, जो ऊपर से देखने पे असली लगता था। जर्मन ने देखा तो उन्होंने हिटलर को बताया कि वहाँ सैनिक तैनात है, तो हिटलर खुश हुआ कि चलो आने दो। लेकिन जर्मन सेना को केले शहर में फंसा के एलाइड फोर्स नोमेडी की तरफ से जर्मन में दाखिल हो गई, जिसकी वजह से बिना वॉर के एलाइड फोर्स जर्मन में दाखिल हो गई और वॉर में जर्मनी की हार हो गई। इसके बाद MI5 ने इस इंसिडेंट को जीतने के पीछे का एक इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट बताया। इसकी जासूसी से खुश होकर हिटलर ने भी इसे जर्मन का सबसे बड़ा अवार्ड से नवाजा था और बाद में MI5 की रिकमेंडेशन पर इंग्लैंड भी इसे अवार्ड देती है। अब गार्बो MI5 को विदा लेने की अनुमति मांगता है, लेकिन MI5 कहती है कि कुछ दिन और देख लो ताकि कोई और लीडर ना वॉर स्टार्ट कर दे। वो कुछ दिन और देखता है और जब सब नॉर्मल पाता है तो MI5 से विदा लेके वेनेजुएला चला जाता है और वहाँ फेस बदल के रहने लगता है, क्योंकि मेडल मिलने के बाद नाजी लोग भी इसे पहचान गए थे
कि ये डबल एजेंट है तो इसे जान का खतरा रहता है। इस वजह से ये वेनेजुएला में भेस बदल कर रहता है और उसके बाद ये अपनी मरने की झूठी खबर पूरी दुनिया में फैला देता है ताकि कोई नाजी इसको मार ना दे। तो ये थी कहानी दुनिया के सबसे बड़े डबल एजेंट की, जिसने दो देशों से जासूसी का अवार्ड जीता था और वर्ल्ड वॉर में लाखों लोगों को मरने से बचाया था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।